टाइम इज मनी जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम ही पैसा होता है और इस टाइम को ऑप्शन की लैंग्वेज में थीटा कहते हैं सो बेसिक फंडा ये है कि आप जब भी ऑप्शन बाय या सेल करते हो तो आप दो चीजों के लिए प्राइस पे करते हो फर्स्ट टाइम वैल्यू एंड सेकेंड इंट्रेंसिक वैल्यू और ये टाइम वैल्यू डे बाय डे कम होता रहता है जब तक कि उस ऑप्शन की एक्सपायरी नहीं आ जाती सो थीटा इज द रेट एट विच एन ऑप्शन लूज इट्स वैल्यू एज द टाइम पास मतलब ऑप्शन प्रीमियम एक दिन में कितने पॉइंट्स लूज करता है उसे थीटा कहते हैं सपोज किसी ऑप्शन के प्रीमियम का थीटा माइनस वन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रीमियम में डेली एक रुपए कम होता रहेगा कीपिंग ऑल अदर कंडीशन सेम एग्जाम्पल के लिए सपोज किसी ऑप्शन का प्रीमियम पांच रुपए है और इसकी थीटा वैल्यू माइनस वन है तो वो ऑप्शन इस केस में एक रुपए डेली कम होता रहेगा और ये थीटा की वैल्यू एक्सपायरी में कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और ये थीटा ऑप्शन बायर के लिए हमेशा नेगेटिव में वर्क करता है दैट इज आपने अगर ऑप्शन बाय कर रखा है तो उस ऑप्शन की प्रीमियम डेली कुछ ना कुछ कम होती रहेगी इवन अंडरलाइंग एसेट में कुछ भी चेंज ना हो वही एक ऑप्शन सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव वे में काम करता है क्योंकि प्रीमियम डेली कुछ ना कुछ लूज करता है और वो ऑप्शन सेलर के पास जाता है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्सपायरी में जितना ज्यादा टाइम रहेगा थीटा की वैल्यू उतनी स्लो कम होगी क्योंकि इस केस में ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस ज्यादा रहता है और वही एक्सपायरी में जितना कम टाइम बचेगा थीटा उतनी तेजी से घटेगा सो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थीटा का ध्यान जरूर रखना है एंड आई होप कि थीटा का कंसेप्ट अब आप लोगों के लिए क्लियर है और आप लोग मुझे कमेंट सब्सक्राइब लाइक करके जरूर बताना कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं सो so दैट कि मैं खुद को और इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाऊँ